फाइनली प्रभास की मच अवेटेड रोमांटिक हॉरर मूवी राजा डिलक्स का ऑफिशियल फर्स्ट लुक उसके नए टाइटल के साथ आउट हो चुका है। और डार्लिंग प्रभास के इतने चिल्ड आउट चार्मिंग पोस्टर के फर्स्ट लुक को देखने के बाद मेरा पॉजिटिवली कलरफुल रिएक्शन यही था कि क्या ये सच में एक आउट एंड आउट हॉरर मूवी का ही पोस्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी के मिस्टीरियस ऑफिशियल टाइटल की बात करूँ तो मूवी के अनऑफिशियल टाइटल राजा डिलक्स के अंदर ज्यादा फेर बदल ना करते हुए मूवी का ऑफिशियल फ्रीकिंग टाइटल राजा साहब रखा गया है। बट राजा साहब के इस पोस्टर के अंदर प्रभास के फर्स्ट लुक को देखने के बाद ये बात डैम श्योर कन्फर्म हो चुकी है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये मूवी एक विदाउट लॉजिक वाली फैमिली एंटरटेनिंग मूवी होगी, जिसमें मूवी के डायरेक्टर मारुति ने डार्लिंग प्रभास के ओजी फैंस जो प्रभास के करियर के आइकॉनिक फिल्म्स रेबल, डार्लिंग, मिर्ची जैसी मूवी देख चुके हैं, उन फैंस को डेडिकेट करते हुए बंदे ने राजा साहब मूवी को बनाया है। और ये प्रभास का ओजी फर्स्ट लुक नजर आ रहा है इस पोस्टर के अंदर। तो देखा जाए तो बंदे का ये ब्लैक शर्ट वाला लुक जमाने पहले से ही सिग्नेचर स्टाइल रहा है, क्योंकि राजा साहब के इस पोस्टर में प्रभास का ब्लैक शर्ट के अंदर होना वो सीधे सीधे बंदे के आइकॉनिक मूवीज मिर्ची और रेबल का तगड़ा रेफरेंस है, जिसका ब्लैक शर्ट वाला लुक आज भी यूथ फॉलो करती है। और प्रभास के सेम उसी ओजी चार्म को प्रभास के राजा साहब का ये फर्स्ट लुक पोस्टर जिंदा करता है। सो मे बी अगर कोई बंदा रेबल प्रभास को सिर्फ और सिर्फ बाहुबली से ही फॉलो करते आ रहा है और बंदे की कोई भी ओजी मूवीज नहीं देखी है, तो मैं डैम श्योर होके अगेन कह सकता हूँ कि प्रभास के इस बैड एस ओजी लुक के पीछे की साइकोलॉजी तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इसके पीछे का सिंपल सा रीजन यही है कि तुमने बाहुबली से पहले प्रभास ने जितने भी ब्लॉकबस्टर मूवीज की है उसमें बंदे के पावर, चार्म और पर्सनैलिटी को कभी देखा ही नहीं। तो मेरे हिसाब से राजा साहब का प्रभास का ये फर्स्ट लुक नॉस्टैल्जिया को जिंदा करते हुए एक ग्रीन फ्लैग दिखा दिया है कि इंसान लेवल की पागलपंती राजा साहब मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेगा। बट किसी बंदे को ऐसा लग रहा होगा कि राजा साहब ये मूवी एक आउट एंड आउट हार्डकोर लेवल की हॉरर मूवी होगी, तो भाई साहब पोस्टर ने इस बात का जोरदार हिंट दे दिया है कि राजा साहब एक कंप्लीट मसाला मूवी होगी जो कांचना, भूलभुलैया, चंद्रमुखी की तरह सभी को पेट पकड़ पकड़ के हंसाते हुए जंप स्केयर से डराएगी। कहने का मतलब ये है कि राजा साहब एक टोटली मैड मैड कॉमेडी फिल्म होगी, टिपिकल साउथ इंडियन हॉरर कॉमेडी मूवीज की तरह, जहाँ पर भूतों के ही मजे लिए जाते हैं। और वैसे भी तुम्हें इस मूवी के अंदर तीन तीन हॉट चुड़ैल्स देखने को मिलेंगे जो थिएटर का तापमान गर्म करते हुए अपनी चीखों से एंटरटेन करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि राजा साहब एक कलरफुल कॉमेडी मूवी होगी जिसमें हॉरर का थोड़ा बहुत दम मसाला छिड़का जाएगा, जिसमें प्रभास का रेबल अवतार ना दिखते हुए चार्मिंग और स्वैग से भरा बंदे का डार्लिंग अवतार देखने को मिलेगा। वही रही बात इस मूवी की रिलीज डेट की, तो लगता है मेकर्स ने अभी तक इस बात को डिसाइड नहीं किया है कि प्रभास की राजा साहब इस साल के किस क्वार्टर में रिलीज होगी। बट पोस्टर के अंदर जो कलरफुल हिंट दिया गया है तो उस हिसाब से प्रभास के इस हॉरर कॉमेडी मूवी को 2024 के दिवाली में ग्रैंड रिलीज हो जाना चाहिए, क्योंकि पोस्टर में फटाके जोरदार तरीके से फूट रहे हैं। तो प्रभास के कल की मूवी के रिलीज होने के बाद प्रोबेबली ये मूवी 4-5 महीने का गैप लेते हुए दिवाली में रिलीज होगी। वैसे यहाँ तक पहुँची गए हो तो डार्लिंग प्रभास की फर्स्ट हॉरर कॉमेडी मूवी राजा साहब का फर्स्ट लुक पोस्टर तुम्हें कैसे लगा, इस पर तुम्हारा ओपिनियन, रिएक्शन पूरा लॉजिक लगाते हुए कमेंट करके बता सकते हो। तो इसी बात पर GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और एक्स पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ, टेक केयर, गुड बाय।